सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं कुछ देर पहले ही उठी हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू है स्कूल में, तो मैं कुछ प्रिपरेशन भी कर रही थी रात में, तो इसलिए मैं देर तक सोई थी, देर से मैं उठी। अब जा रही हूँ, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, अब थोड़ा मैं मुझे किचन साफ़ करना है और बर्तन धोना है। बाबू भी सो रही है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो देख, चलिए पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मेरे स्कूल में इंटरव्यू है तो मुझे वहाँ भी जाना है, और एक दो स्कूल में और बुलाया गया है तो वहाँ भी जाऊँगी। तो देखती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ ब्लॉग शूट करूँगी, और नहीं होगा तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और आपको बाद में बताऊँगी। तो ब्लॉग बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ और किचन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरा किचन बहुत फैल जाता है। क्योंकि कभी होता है कि मैं किचन को साथ में साफ़ कर लेती हूँ, कभी बाबू परेशान करते तो नहीं कर पाती हूँ। डिपेंड करता है कि बेबी कैसा आपका आपको टाइम दे रहा है, तो उसी तरह से मैं काम को मैनेज करती हूँ। और तो सबसे पहले मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद खाना में रात में हम लोगों ने चना छोला बनाया था, तो उसमें सब्जी है, अभी रोटी बनाऊँगी और थोड़ा चावल बनाऊँगी और उसी को हम लोग खा लेंगे, नाश्ता खाने एक ही बार खा लेंगे चले जाएंगे। अब आपको सवाल रहेगा कि बेबी को कहाँ छोड़ के जाऊँगी, तो मैं बेबी को भी लेकर जाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेबी बाहर रहेंगी और मैं अंदर जाऊँगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इंटरव्यू ज़्यादातर का होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं और मैं आपको आने वाले दिन में आपको बताऊँगी कि अगर आप एक मदर हैं और आपकी शादी हो चुकी है और आप मतलब आपको है कि आप जॉब कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे मैनेज करके सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ और मुझे किन किन सब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी काम को आप कीजिएगा तो बिना प्रॉब्लम का क्या आप आगे बढ़ जाइएगा, प्रॉब्लम तो आती है। और जब बच्चा होता है और भी प्रॉब्लम बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। तो चलिए, बात करने से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और अपने पास आज उतना टाइम है नहीं, क्योंकि अभी कितना 10 बजे मेरा इंटरव्यू है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो फटाफट मुझे काम करना है। चलिए काम करते हैं।
सो मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैंने डाला है कुर्ता और ऊपर से आएगा दुपट्टा। मैंने जैकेट या स्वेटर नहीं पहनू क्योंकि गर्मी लगने लगा है, ठंड उतना है नहीं और सिंपल सा। तो ये है मेरा लुक, इसमें बिल्कुल देखिए सिंपल सिटी में जाना है बिकॉज हम लोग एक एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। आप एक टीचर के तौर पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एलिगेंट लगना है, ज़्यादा ज़्यादा सिंपल भी नहीं, ज़्यादा हाई फाई मेकअप भी नहीं होना चाहिए आपका। तो मैं हल्का सा लिप बाम लगा लूँगी, दैट्स इट। और मेरा बोर्ड है, मैं टीचिंग करता हूँ। खाना बन चुका है, हम लोग अब खाना खाएंगे और निकलेंगे। दिखाती हूँ मेरे को, तो मैं आ चुकी हूँ इंटरव्यू देकर और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मैं इसको भी लेकर गई थी, तो ये बाबू को लेके बाहर खड़े थे मेरे हस्बैंड और मैं स्कूल के अंदर गई अकेले क्योंकि वहाँ मेरा ही काम था तो मुझे ही जाना था अंदर अकेले और वहाँ अलाउ नहीं था कि आप कुछ शूट कर सकते हैं और मुझे सही भी नहीं लग रहा था क्योंकि मैं गई थी इंटरव्यू देने और वहाँ पर था कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में आपको डिसिप्लिन शो करना होता है। तो मैं वहाँ नहीं रिकॉर्ड कर पाई लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप भी उस फेज पे हैं कि आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है तो आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए और कौन से कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस बनता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। सबसे मेन मायने रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस। तो मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।